हमारी सिर्फ एक प्रॉब्लम, हमारा और कोई इशू नहीं, माय गॉड ना, हमारा इशू यह है कि हमारे पास तालीम की कमी है, ना ये हमारा इशू है कि हमारे पास वसाइल कम है, ना ये हमारा इशू कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज और वसाइल और दौरत और एग्रीकल्चर और खुराक और खाना नहीं है। इस पाकिस्तान का सिर्फ एक क्राइसिस, और वो क्राइसिस ये है कि हम ये भूल गए कि हम कौन हैं। द क्राइसिस ऑफ मोरालिटी, द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, द क्राइसिस ऑफ आइडियोलॉजी। हम ये भूल गए कि हम एक ऐसी तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं जिसकी तकदीर में लिख दिया गया है कि इंसानियत की रहनुमाई करें। हमारे पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने वाले लोग, आला तरीन तालीम याफ्ता पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जिनके हाथ में इख्तियार ताकत इख्तदार रुपया पैसा डिसीजन मेकिंग ताकत थी, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस मुल्क को गरीब मिस्कीन यतीम बेवाओं और मदरसे के बच्चों ने नहीं तबाह किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आती है, आपकी आती है। अल्लाह ताला ने कल इस पाकिस्तान को आपके हाथों में देना। कायदे आजम हमारे बड़े जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनका क्या किरदार? क्या कायदे आजम पर किसी ने इल्जाम लगाया एक रुपए की करप्शन का? क्या अल्लामा इकबाल पर किसी ने एक रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया? हमारी प्रॉब्लम सिर्फ लीडरशिप की है। हमें वो लीडर्स चाहिए जो निगाह बुलंद हो, सुखंदल नवाज हो, जहां पुरसो। निगाह बुलंद विजनरी थिंकर फिलोसफर एंड आइडियोलॉग, सुखंदल नवाज बातें लोग ये कहें जो कह रहा है सच कह रहा है, ये हमें धोखा नहीं देगा, ये हमसे खयानत नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, हमें बेच के नहीं खा जाएगा, उसको एनआरओ से धोना नहीं पड़ेगा बाद में। दिस फेथ, दिस यकीन, दिस बिलीफ, ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये लीडरशिप तो आ रही है, इट्स अ डेस्टिनी। इसके दो तरीके हैं, दिस इज द ऑप्शन दैट वी हैव टुडे। एक ऑप्शन वो है कि जो अल्लामा इकबाल और कायदे आजम का तरीका था कि मैसिव इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ले आए आइडियोलॉजी की पावर पर। हमने पाकिस्तान तलवार की जोर पर तो नहीं बनाया, हमने तो पावर ऑफ आइडियोलॉजी एक इमोशन से जज्बाई दीवानगी जुनून के। वी डिडंट हैव एनी आर्मी, वी डिडंट हैव एनी एयरफोर्स, नो नेवी, नो इकोनॉमिक पावर। जस्ट द विल ऑफ द पीपल, वी वॉन्ट पाकिस्तान, वी क्रिएटेड, कार्व्ड आउट ऑफ हिस्ट्री, आउट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ सबकॉन्टिनेंट। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब क्योस और अनार्की इतनी फैल जाए कि डिसऑर्डर और अनार्की की वजह से एक मैसिव ब्लडी रेवोल्यूशन आए, जैसे बॉल्शेविक रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। पाकिस्तान में जो क्योस और अनार्की इस वक्त ही लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मकसद यही है कि पाकिस्तान को इतना क्योस और अनार्की में डाल दिया जाए कि मुल्क डिसफंक्शन हो जाए, फेल हो जाए। अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती अनार्की में, लेकिन तब्दीली ड्यू है, इंशाल्लाह पॉजिटिव तब्दीली, अपने आप को उसका हिस्सा बना लीजिएगा। अबू जहल और अबू लहब पर नसीब पर नौटशा ने कहा है शायद ये, नथिंग इज मोर पावरफुल देन द आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। आज कैपिटलिस्ट सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, कम्युनिज्म कोलैप्स कर चुका है, पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल वॉइड है, पूरे यूरोप और अमेरिका में इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला देश। किस वजह से? पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर की वजह से? नो, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी, कोई रूहानियत की वजह से, कुछ सुकून की वजह से, जो डिवाइन मॉरल सोशल ऑर्डर देता है। कैपिटलिज्म पैसा जमा करना सिखाता है, इस्लाम कहता है यकीन जवाब। कैपिटलिज्म ये इसको सिखाता है कि आला से आला, खूबसूरत से खूबसूरत जेवर, ज्वेलरी, रुपया, पैसा, दौलत, कपड़े, स्नीकर्स, मोबाइल फोन, आईपॉड ये जमा करो। तीन साथ ये सिखाता है वो सब चीजें जरूर खरीदो, जरूर इस्तेमाल करो, लेकिन जितने की खरीदी है उतनी रकम अल्लाह के राह में सदका करो। शेयर इट विद अल्लाह। जब अल्लाह आपसे आपको देते हुए हिसाब नहीं करता है तो आप आगे देते हुए हिसाब करो। हम भी तो डिजर्व नहीं करते जो हमें देता है। टू बी ऑनेस्ट जस्ट थिंक, क्या जो कुछ हमको मिला हुआ हम डिजर्व करते थे? नो, अल्लाह इज ब्लेस्ड अस। जब किसी को देने की बारी आए ये मत कहो कि डिजर्विंग है या डिजर्विंग है। बड़े कहते हैं कि उसको भी दो जो डिजर्व करता है, उसको भी दो जो डिजर्व नहीं करता, ताकि अल्लाह तुमको उस वक्त भी दे जब तुम डिजर्व करते हो और उस वक्त भी दे जब तुम डिजर्व नहीं करते। सो वट एवर अल्लाह इज ब्लेस्ड यू विद, शेयर इट, डिस्ट्रीब्यूट इट, एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल गिव यू इज्जा, अल्लाह विल गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर।
नियत कर लो, रास्ते खुद लीडरशिप भी आ रही है, मेक इट अ पार्ट ब्यूटिफुल डेस्टिनी वेटिंग फॉर पाकिस्तान सो फैसिनेटिंग दैट विल गो इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ इफ आई टेल यू व्हाट डेस्टिनी इज वेटिंग फॉर अल्लामा इकबाल ने भी उस वक्त यही बात कही थी, इशारों में बात कही थी, इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो हो चुकी है। मुझे एक बात अल्लाह ताला के आगे कौम के आगे रखनी थी, इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो हो चुके, अब जरा दिल थाम के फरियाद की तरफ अब जरा देखना होता था वो डेस्टिनी अभी इनकम्प्लीट, पाकिस्तान की तकरीब में मुकम्मल होना है, बी पार्ट।